सात लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, कोरबा से कठघोरा में मिले हैं सात मरीज। सभी कोरोना संक्रमित मरीज हैं, ये जमात से जुड़े हुए हैं। मरीजों को रायपुर के एम्स लाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, सात नए कोरोना संक्रमित मरीज। कोरबा के कठघोरा में ये सातों मरीज मिले हैं, जमाती हैं ये सातों मरीज। अब तो छत्तीसगढ़ में जो था बड़ा ही संभल के छत्तीसगढ़ अपने आप को लेकर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी जमातियों ने खेल खराब कर दिया। यहाँ पर भी सात जमाती पहुंच गए हैं जो कि सातों के साथ वो संक्रमित हैं। हालांकि लगातार सरकार जो जमाती है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और बार बार अपील कर रही है कि जो भी उसमें शामिल थे वो आके अपने आप को चेकअप कराएं और प्रशासन को बताएं। अधिक जानकारी से सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जमाती के जहां भी पहुंच रहे हैं वहां पर संक्रमण की संख्या और तादाद बढ़ती जा रही है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ अब तक सुरक्षित था, सिर्फ 10 पेशेंट थे, बड़ा अच्छा रेस्क्यू चल रहा था वहां पर, लेकिन अब हालात अगर साथ ये पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है सात ने 17 को किया होगा। जी बिल्कुल, अगर देखें आंकड़ों की बात तो ये पलटते नजर आ रही है। आज एकाएक सात मरीज सामने आने से यहाँ पे प्रदेश में हड़कंप का माहौल तो है। ये इसकी पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे ये कोरोना में जीत की ओर थे, लेकिन जी सत्य सत्य आवाज आ रही। हेलो सत्य आवाज आ रही जी। सत्य, ये चुनाव रिजल्ट थोड़ी है कि पलटते नजर आ रहा है, सवाल इसका है कि स्थिति अब पहले से थोड़ी सी बिगड़ रही है। पहले ठीक था, पाए गए थे, ठीक हो गए, और उसके बाद स्थिति मेरे छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा गंभीर हो रही है। जी जी बिल्कुल, तो अभी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जैसे कि हम यहाँ पे कोरोना मुक्त की ओर थे, लेकिन आज अचानक ये सात मरीज सामने आने से एक संकट है, और फिर आगे की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि आगे और स्थिति गंभीर होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो इस तरह मरीज बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे और आने की उन आशंका भी जताई। सत्या, ये साथ ही थे और भी हैं या हो सकते हैं? जी, और होने की बात कही जा रही है लेकिन अभी इसमें पुष्टि नहीं है। उनके आसपास के जो सर्वे जारी है उनसे कौन कौन मिले हैं, कितने लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो कहाँ कहाँ गए थे, इन तमाम चीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की अमला वहाँ जुट गई है और जो वहाँ के निगम अमला है और वहाँ के स्थानीय प्रशासन है जुट गए हैं। और फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग ने इन सातों लोगों को अपने कब्जे में लेके रायपुर भेजा जा रहा है एम्स में इलाज के लिए। सत्या, ये जमातियों के कारण जो जमाती वहाँ पहुँचे उनके कारण हुआ, क्या ये आपको कोई ऐसी जानकारी है कि और भी कुछ जगहों पे दूसरे जमाती पहुँचे हो? जी बिल्कुल, प्रदेश भर से कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे इसमें। लगभग सभी लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था जिसमें आधे से अधिक लोगों के सैंपल निगेटिव आए थे। तो इस तरह अभी कुछ और बचे हुए हैं जिनका जांच लेना अभी बाकी है, सैंपल लेना बाकी है। चलिए सत्या, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सर, जिस तरीके से भूपेश बघेल लगातार डरे हुए थे लॉकडाउन के लिए, उन्होंने पहली